देखी जी। इतने हिस्सों में बट गई है दिल्ली कि उसके हिस्से में आप कुछ बचा दिल्ली के नहीं। 2 करोड़ लोगों के लिए आपसे न्याय मांगने के लिए खड़ा हुआ हूँ। 2 करोड़ लोगों के लिए सर, मैं अपने सत्ता पक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ, इस देश का संविधान रहेगा तो तुम रहोगे, हम रहेंगे। वेलकम टू एकेडमी हब। इन दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीरीज ऑन लीगल डिस्कोर्स हम बात करेंगे केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच जो तनाव का माहौल चल रहा है उस संदर्भ में। एज वी ऑल आर अवेयर दैट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 लास्ट मार्च में बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास हो चुका है। इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रेजेंट सिस्टम ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट में बदलाव किया गया एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर को सर्टेन एडिशनल पावर प्रोवाइड किया गया है। हम बात करेंगे इस अमेंडमेंट के बारे में, बट प्रायर टू दैट जानेंगे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में एंड दिल्ली गवर्नमेंट के सेटअप के बारे में। देन आफ्टर हम बात करेंगे इस अमेंडमेंट के इफेक्ट के बारे में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन फेडरलिज्म पे इसका क्या प्रभाव होता है। इन 1991 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 को अमेंड करके एक नया आर्टिकल ऐड किया गया विच इज़ कॉल्ड आर्टिकल 239AA। इस आर्टिकल में दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली गवर्नमेंट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के फंक्शंस एंड बैलेंस ऑफ पावर को एड्रेस किया गया एंड दिल्ली का नाम फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से बदलकर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कर दिया गया। फर्दर जो सेंटर नॉमिनेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं यूनियन टेरिटरीज में, उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम दिया गया। क्लॉज 3A ऑफ द आर्टिकल में लेजिस्लेटिव असेंबली को स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में फॉल करने वाले सब्जेक्ट मैटर्स पे लॉ बनाने का अधिकार दिया गया, बट अनलाइक फुल फ्लेज्ड स्टेट्स, पुलिस, पब्लिक अफेयर्स एंड लैंड रिलेटेड इशूज को लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर के एम्बिट से एक्सक्लूडेड रखा गया। फर्दर यूनियन टेरिटरी होने के कारण स्टेट लिस्ट के भी सब्जेक्ट मैटर्स पे पार्लियामेंट को लॉ बनाने का पावर प्रोवाइडेड है एंड इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एलजी मैटर को प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन काम करते हैं। एंड अनलाइक स्टेट जहाँ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, दिल्ली में अपॉइंटमेंट्स डायरेक्टली प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। लास्ट क्लॉज ऑफ आर्टिकल जो है क्लॉज 7, उसमें पार्लियामेंट को फर्दर इस आर्टिकल को सप्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाने का पावर दिया गया। इसी लेजिस्लेटिव पावर का यूज करते हुए इन 1991 गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट बनाया गया एंड इसी पैरेंट एक्ट में अभी अमेंडमेंट हुआ है और एलजी के पावर को एक्सटेंड करते हुए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली गवर्नमेंट के पावर को सब्सिडाइज कर दिया गया है। टोटल 4 सेक्शंस ऑफ द एनसीटी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें सेक्शन 21, सेक्शन 24, सेक्शन 33 एंड सेक्शन 44 इंक्लूडेड है। सेक्शन 21 में गवर्नमेंट एक्सप्रेशन के मीनिंग को चेंज करके लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया गया है। इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एंड नॉट द चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली। ऐसा ही कुछ डिफिनीशन अमेंडमेंट वाइल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के टाइम भी किया गया था। अमेंडमेंट पे क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एलजी मतलब गवर्नमेंट। तो क्या सर एलजी को चुना हुआ है? क्या वोट लोगों ने एलजी को दिया है? फर्दर सेक्शन 24 विच टॉक्स अबाउट एसेंट टू बिल बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, इस सेक्शन के प्रोविजो पार्ट को अमेंड करके क्लॉज डी एड किया गया है एंड एज पर पैरेंट एक्ट एसेंट टू बिल का जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग अगर बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास एसेंट के लिए जाता है देन ही कैन इधर पास द बिल विथ होल्ड इज एसेंट और रिजर्व इट फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। इन केस ही विथ होल्ड्स इट देन ही नीड टू रिटर्न इट बैक टू द असेंबली विथ हिज कंसर्न। और अगर पुनः असेंबली बिल को पास करती है विथ और विदाउट एड्रेसिंग हिज कंसर्न देन एलजी हैव टू गिव हिज असेंट एंड वो फिर से विथहोल्ड नहीं कर सकते। बट फर्दर 3 क्लॉजेज ऑफ प्रोविजंस प्रोवाइड दोस सिचुएशंस इन विच एलजी शैल नॉट गिव असेंट बट शैल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब रिसेंट अमेंडमेंट एक्ट में क्लॉज डी एड किया गया है अकॉर्डिंग टू विच LG shall reserve the assent for the consideration of president in case
when matter is outside the purview of the powers of the legislative assembly. So it is like एक ऐसा restrictive residuary clause insert किया गया है जो कि आने वाले वक्त में political tussle between center state ruling parties के बहुत काम आने वाला है. थर्ड अमेंडमेंट सेक्शन 44 के प्रोविजो में किया गया है जिसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने से पहले काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को एलजी का ओपिनियन लेना मैंडेटरी होगा. अब चूंकि सरकार का मतलब ही एलजी हो गया फिर तो गवर्नमेंट डिसीजन में एलजी का होना कंपलसरी हो ही जाता है. अब लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ है वो सेक्शन 33 में हुआ है और इस अमेंडमेंट के थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर को सिग्निफिकेंटली कटेल किया गया है. इसके अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी लॉ या कमिटी नहीं बना सकती जिसका संबंध दिल्ली के डेली अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन से हो और ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से संबंधित किसी भी मसले पे जांच बिठा सकती है. फर्दर इन सारे अमेंडमेंट्स को रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडियन डाइवर्सिटी को इंटीग्रेटेड रखने में एक कोहेसिव फोर्स का काम करता है. जब से केंद्र में एनडीए और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो तनाव सदा बरकरार रहा है. ऑन 4 जुलाई 2018 सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सेड दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैड नो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर एंड वॉज बाउंड टू फॉलो द एड एंड एडवाइस ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर हेडेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ऑन ऑल मैटर एक्सेप्ट पुलिस पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड. नाउ अमेंडमेंट्स के थ्रू दिल्ली के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पावर को कटेल करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में इन्वेस्ट किया गया है. ये क्लियरली एक प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन है जो कि फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट स्टैंड करता है एंड दिल्ली के लोगों के राइट्स को भी इन्फ्रिंज करता है. जो सरकार दिल्ली के लोगों ने चुना है डिफिनीशन अमेंडमेंट के थ्रू वो सरकार अब सरकार ही नहीं रही और एक अमेंडमेंट लाकर केंद्र सरकार ने अपने नॉमिनी को सरकार बना दिया. सो इट्स लाइक दिल्ली के लोगों ने जिसे चुना है वो आज के डेट में टेक्निकली सरकार ही नहीं है. वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप कितना फेडरल है ये खुद में ही एक विवाद का विषय है बट डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पावर को सीज करके नॉमिनेटेड साइकोफेंट के हाथ में प्रोवाइड करना डेमोक्रेटिकली एक इमोरल एक्ट है. बाकी ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन बिहाइंड दिस अमेंडमेंट एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आप वीडियो को पॉज करके तार्किक मनोरंजन के लिए पढ़ने को स्वतंत्र हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हेल्प अस टू हेल्प यू बाई सब्सक्राइबिंग टू अकेडमी हब.